लिखना सीखते हैं कहाँ पे, स्कूल पे, ठीक है। We learn good manners at school, और अच्छी अच्छी बातें भी हम लोग स्कूल पे ही सीखते हैं, ठीक है। This is our classroom, so ये एक क्लासरूम है। आप लोग का क्लासरूम देखे हो बच्चों, यूकेजी का क्लासरूम है ना, जहाँ पे आप लोग बैठ के टीचर आपको जो भी पढ़ाती है वो सब लिखते हो पढ़ते हो, वो आपका क्या है, वो आपका क्लासरूम है। We learn our lessons here, so आप लोग क्लासरूम में जो टीचर बोलती है वो सब करते हो, ठीक है। आप लोग देखो पिक्चर में ये क्लासरूम है। क्लासरूम में क्या है, टेबल है, बेंचेस है, टेबल और बेंच पे आप लोग बैठते हो, है ना। टीचर है आपको जो की पढ़ाती है, फिर ब्लैक बोर्ड है ना, जहाँ पे आपकी टीचर लिखती है। सो वो क्या हुआ, आपका क्लासरूम हुआ। दिस इज आवर स्कूल लाइब्रेरी। सो आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में भी एक लाइब्रेरी है, जब स्कूल खुलेगा तब आपके देख लेना, ठीक है। सो वी रीड बुक्स हियर। सो लाइब्रेरी में क्या काम करते हैं बच्चों, आप लोग आके बुक्स पढ़ सकते हो। वी ऑल्सो सी पिक्चर्स बुक हियर। सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यूकेजी में हो, है ना, तो आप लोग लाइब्रेरी में आके क्या करोगे, पिक्चर बुक देख सकते हो। तो आप लोग आके पिक्चर बुक देखना, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज आवर स्कूल ग्राउंड। सो आप स्कूल में ग्राउंड भी है, जब गेम्स पीरियड होगा तो आप लोग जाके खेल सकते हो, ठीक है। सो वी प्ले गेम्स हियर। सो प्ले ग्राउंड में, स्कूल ग्राउंड में आप लोग क्या करोगे, गेम्स पीरियड में आप लोग जाके गेम्स खेलोगे। देखो यहाँ पे कुछ बॉयज गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। दिस इज आवर स्टाफ रूम। सो आप लोग देखे हो ना, सारे मिस और टीचर्स आके एक जगह पे बैठते हैं, वो आप क्या बोलोगे बच्चों, स्टाफ रूम, ठीक है। आवर टीचर्स सिट हियर। सो स्टाफ रूम में क्या करेंगे टीचर्स वहाँ बैठेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और उन लोग का काम करेंगे। देखो यहाँ पे सारे टीचर्स बैठे हुए हैं और खुद का काम कर रहे हैं, वो उस रूम को आप क्या बोलोगे, स्टाफ रूम। नेक्स्ट है, दिस इज आवर प्रिंसिपल्स रूम। सो आप लोग को पता है ना आपका प्रिंसिपल कौन है, तो ये देखो ये है आपका प्रिंसिपल रूम, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल बैठते हैं। आवर प्रिंसिपल सिट्स हियर। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ आवर स्कूल। सो आपको पता है ना प्रिंसिपल क्या है, हेड ऑफ द स्कूल है, सबका हेड है वो, ठीक है। जो कुछ भी होता है, जो भी अगर कोई गलत काम करता है तो पनिशमेंट देते हैं ना टीचर्स लोग को, सारे स्कूल को मेंटेन करता है, कौन करता है, प्रिंसिपल, ठीक है। दीज पीपल वर्क इन आवर स्कूल। सो स्कूल में क्या क्या होता है, बिल्डिंग होता है, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी, क्लासरूम, फिर सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन और सारे कुछ लोग भी होते हैं जो कि स्कूल का देखभाल करते हैं। चलो बच्चों उन लोग को देखते हैं। फर्स्ट है पियोन। पियोन जो घंटी बजाता है, ठीक है, उसको स्कूल पे, ठीक है, फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो, कौन घंटी बजाता है, पियोन, देखो वो घंटी बजा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीपर। स्वीपर आप जब स्कूल मतलब आपका क्लासरूम गंदा करके चले जाते हो, फिर नेक्स्ट डे आते हो तो पूरा साफ होके रहता है ना, कौन साफ करता है, स्वीपर, ठीक है। वो आके झाड़ू पोछा लगाते हैं आपका क्लासरूम को और अच्छा नीट एंड टाइडी करके जाते हैं, ठीक है। गार्डनर। गार्डनर मतलब जो स्कूल में गार्डन होता है ना, वो पेड़ पौधों को अच्छे से देखते हैं और पानी देते हैं, उनको गार्डनर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉचमैन। आपका बड़ा सा गेट है ना, कौन वहाँ पे रहता है, वॉचमैन, ठीक है। वॉचमैन जो कि आपको देखता है कि आपको टिफिन ला, अगर आप टिफिन भूल गए हो तो टिफिन ला देते हैं, है ना, और कोई भी स्ट्रेंजर और अजनबी अंदर ना आए उसका देखभाल करते हैं वॉचमैन। सो ये सारे भी स्कूल पे रहते हैं, ठीक है बच्चों।